लेन देन को लेकर 8 से 10 बदमाशों ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों की बेरहमी से पिटाई कर दी, सारा सामान फेंक दिया। वहीं दुकान व दुकान के बाहर लगी सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। इंदौर शहर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े मारपीट और तोड़फोड़ कर रहे हैं। दरअसल पूरी घटना एमआईजी थाना क्षेत्र की है, जहां मामूली लेन देन को लेकर एक रेस्टोरेंट व आरोपियों के बीच कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। वहीं आज सुबह 5 से अधिक बदमाशों ने रेस्टोरेंट में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। वहीं रेस्टोरेंट का काम करने वाले कर्मचारियों की भी जमकर पिटाई कर दी। वहीं पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जहां एमआईजी पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और बाकी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। एमआईजी थाना क्षेत्र के अंदर एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ हुई, उसका सीसीटीवी भी आया है, क्या है पूरा मामला? इसमें देखिए पूरा मामला ये है कि श्रीनगर एरिया लगता है एमआईजी थाना क्षेत्र में, तो वहाँ पे होटल में जो है पैसे को लेकर के कुछ इनका विवाद हुआ था। होटल का जो संचालक है और कुछ जो बच्चे हैं वहाँ गए हुए थे, और उसी की सीसीटीवी फुटेज हमारे पास में आई थी। उसी को देखते हुए मामला थाने में कायम किया गया है, और इसमें से 2 आरोपी जो नामजद आरोपी थे उनको पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया है, और बाकी की तलाश जारी है।